देख रहे हैं वॉइस ऑफ नेशन, आप देख रहे होंगे कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं बिल्कुल लिपस्टिक लगा रही हूँ, लेकिन ये लिपस्टिक नहीं है, ये चॉकलेट है, जिसे जो कि 2-in-1 है। आप चॉकलेट की तरह इसे खा भी सकते हैं और लिपस्टिक की तरह से यूज भी कर सकते हैं, लेकिन ये किसकी बनाई हुई चीज है लेकर आई हूँ मैं आज आपको वहाँ, और मिलवाऊंगी उस पर्सनैलिटी से भी। सो बाकी चीज़ें तो आई थिंक मैं उन्हीं के साथ आपको डिस्कस करके बताऊंगी कि वो क्या है, और इस तरह चॉकलेट मतलब लिपस्टिक के अलावा भी वो क्या क्या चीज़ें बना सकती हैं। सो चलते हैं उनके पास और मिलवाती हूँ आपको उनसे। सो प्लीज़ वेलकम अ वेरी स्पेशल गेस्ट सना नदी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। ये बताए सना कि ये आइडिया आपको कैसे आया, ये चॉकलेट्स का, मतलब ठीक है बिजनेस के हद तक, लेकिन मतलब इस तरह कस्टमाइज करके अलग अलग चीज़ें बनाना, आइटम्स बनाना कैसे? जी बेसिकली ऐसा है कि द चॉकलेट क्वीन शुरू करने से पहले हमारा कन्फेक्शनरी का एक बिजनेस है, तो उस कन्फेक्शनरी के बिजनेस से हमें काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल नोहाव है कि कैसे चॉकलेट बनानी है और सारी नॉलेज है। तो बेसिकली हमें हमेशा से शौक़ था कि हम कुछ ऐसा नया यूनिक लेकर आएँ जो अभी तक पाकिस्तान में पहले कोई ले के नहीं आया। तो इसीलिए हमने सोचा कि कुछ चॉकलेट्स तो होती हैं बोरिंग सिंपल सी, बट कुछ उसमें कुछ शेप्स हो, कोई यू नो और डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हो, लिपस्टिक हो, और डिफरेंट ओकेजन्स के लिए एक चॉकलेट होनी चाहिए ताकि चॉकलेट के साथ इमोशंस अटैच हो जाए। अच्छा ये बताएं कि वैसे तो बच्चों को बहुत पसंद होती है चॉकलेट्स, लेकिन हमारे पाकिस्तान जिस तरह की बार्स चॉकलेट्स मिलती है, तो हमारे पाकिस्तानी आपको क्या लगता है कि किस तरह की चॉकलेट्स खाना पसंद करते हैं? पाकिस्तानियों को बेसिकली प्योर मिल्क चॉकलेट बहुत पसंद है, जो डिफरेंट फ्लेवर्स हों, इनरोब्ड हों विद डिफरेंट फिलिंग्स, लाइक कोकोनट का टेस्ट बहुत ज़्यादा पॉपुलर है एंड कैरमल बहुत पसंद करते हैं पाकिस्तानी, और स्वीट तो आपको पता है वैसे ही स्वीट टूथ है सब। ये तो है। अच्छा ये बताइए कैसा फील करती हैं, मतलब बीइंग अ गर्ल, मतलब अचीवमेंट होती है बिजनेस में, और मतलब हमारी जिस तरह की पाकिस्तान की हमारी सोसाइटीज़ हैं, हमारी सोसाइटी एक कंजर्वेटिव सोसाइटी है, तो इस कंजर्वेटिव सोसाइटी के अंदर फेम पाना या फिर अचीवमेंट हासिल करना बीइंग अ गर्ल कैसा फील करती हैं? आई थिंक सब ख्वातीनों को कुछ ना कुछ करना चाहिए घर में बैठने से, और वो अगर आपके पास एक नेचुरल टैलेंट है तो व्हाई नॉट यूटिलाइज इट। अल्लाह मियां ने हर इंसान को किसी ना किसी हुनर के साथ नवाजा है, तो मैं और मेरी बहन हम हमेशा से कुछ अपने बलबूते पे करना चाहते थे और कुछ ना कुछ अचीव करना चाहते थे, अपने पैरों पे खुद खड़ा होना चाहते थे, अपनी एक आइडेंटिटी होना बहुत ज़रूरी है। इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं सना नदीम, तो है ही, लेकिन ये द चॉकलेट क्वीन भी हैं, इनके मतलब इनका लोगो है द चॉकलेट क्वीन। अच्छा ये बताएं कि किस तरह की चीज़ें आप बना लेती हैं, या फिर कुछ लिमिटेड स्टॉक है जो आप बनाती हैं, या फिर सारे जो भी हम चाहें डिमांड पर ये बना दो वो बना दे तो आप चॉकलेट से बना लें? बेसिकली वी कैन मेक एनी थिंग आउट ऑफ चॉकलेट्स एंड दीज आर कलर्ड कस्टमाइज चॉकलेट, तो फ्रेश ऑर्डर आता है उस हिसाब से हम बनाते हैं। अब जैसे कि आप देखें न्यू ईयर का बार है, तो अगर न्यू ईयर आने वाला है तो न्यू ईयर के हिसाब से बार है, उसके बाद अगर फादर्स डे है, और अगर जैसे ये हमारा लिपस्टिक का वैनिटी है, टेडी बेयर है, क्रिसमस के लिए सांता क्लॉस है, हील्स हैं आप ब्राइडल शावर के लिए कर सकते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट ओकेजन्स के लिए, बेबी अनाउंसमेंट के लिए बेबी कैरेज है, रॉकिंग हॉर्स है, लिपस्टिक है हमारी जो बेस्ट सेलर है, लेकिन अब ये है सना आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी लेकर आई है कि जी आप लिपस्टिक को खा भी लें चॉकलेट के तौर पर उसको लगा ये बताए कि वो खवातीन जो घर से बैठ कर काम कर रही हैं, तो उनके लिए कोई मैसेज या आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे उनको? आई थिंक उनको फेलियर से घबराना नहीं चाहिए, जो चीज़ भी दिल चाहे कि जो भी आपके अंदर टैलेंट है तो आपको अपने आपको मजबूत करना है, एंड यू शुड जस्ट बी बोल्ड, बी ब्रेव एंड बिलीव इन द पावर ऑफ योर ड्रीम्स, एंड आई थिंक ड्रीम्स डू कम ट्रू, तो आपको बस सिर्फ
एक इंस्पिरेशन लेके उसको क्रिएट करना होता है। सही। अच्छा ये नाज़रीन आप ये देख रहे हैं कि मेरे पास जो है एक माइक जो है वो मौजूद है और मैं सोच रही हूँ कि मैं जो है इस माइक को छोड़ के मैं इस माइक को जो है वो सना का इंटरव्यू करना शुरू कर दूँ। तो आप ये देखिए, मतलब लग ही नहीं रहा है कि ये चॉकलेट है, ऐसा लग रहा है कि ये भी माइक ही है। आप मुझे ये बताएं कि वो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो जो खवातीन इस टाइम घर से घर के काम कर रही हैं तो उनको नहीं करनी चाहिए। एक तो आप हमें बता चुकी, लेकिन एक मतलब कुछ ऐसी मिस्टेक्स होती हैं जो वो कर जाती हैं, आगे नहीं बढ़ पाती, तो ऐसा क्या है? आई थिंक यू शुड नेवर स्टॉप लर्निंग, यू शुड कीप ऑन अपग्रेडिंग योर सेल्फ। लर्न करना बहुत ज़रूरी है। रोज़ आप कोई ना कोई नई चीज़ सीख रहे हो, कोई नई टेक्निक सीख रहे हो, कोई नया कोर्सेस करो, क्लासेस लो, अपने आप को अपग्रेड करना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत ज़रूरी एक एलिमेंट है। अच्छा तो क्या देखती हैं अभी आने वाले दौर में, मतलब इन फ्यूचर, अभी ये चॉकलेट्स कितनी ज़्यादा अभी इन होना जा रही है? मतलब अच्छा वैसे ये है कि चॉकलेट से जो है दांत खराब हो जाते हैं, ज़्यादा चॉकलेट्स का यूज़ भी अच्छा नहीं होता, तो आपकी चॉकलेट्स में ऐसा क्या है कि भाई? ये बेसिकली गिफ्टिंग एंड सेलिब्रेशन का बहुत ज़्यादा रिवाज है। अब हमारी कोई भी ओकेजन हो तो उसके लिए कस्टमाइज किसी को गिफ्ट देते हुए बहुत अच्छा लगता है, इन अ वेरी नाइस यूनिक वे। अब सिंपल चॉकलेट तो देख के बोरिंग हो गया ना, तो कुछ डिफरेंट तरीके से, अच्छे तरीके से पैक हुआ हुआ हो और आप अपने इमोशंस शेयर कर रहे हो, यू नो विद योर लव्ड वंस। देखिए वो आप चॉकलेट एग्जैक्टली जो है आप, और गिफ्ट तो सबको ही पसंद होता है। अच्छा ये बताएं आपको क्या पसंद? मुझे मेरा फेवरेट सबसे ज्यादा लिपस्टिक है। लिपस्टिक है? जी। अच्छा मुझे जनरली लिपस्टिक्स का बहुत शौक है। तो जितने अच्छा। भी लिपस्टिक के कलर्स होते हैं मुझे हमेशा नया लिप कलर ट्राई करने का, एंड इट्स आवर बेस्ट सेलर। क्योंकि ये जाहिर है इट्स आवर सिग्नेचर। या हर लड़की की चॉइस होती है। जी। अच्छा ये बताएं कि मतलब शौकीन है स्वीट्स की, चॉकलेट्स की? मुझे जी काफी शौक है स्वीट, बहुत ज्यादा मुझे मीठा तो बहुत पसंद है। जी जी, बट वो थोड़ा कंट्रोल करना पड़ता है ना, क्योंकि इतना ज्यादा मीठा भी खाओ तो डाइट कॉन्शियस हूँ मैं थोड़ी ज्यादा। बस थोड़ा सा चख लिया और बस इस तरह, ज्यादा चॉकलेट नहीं खाती। हिम्मत है मतलब चॉकलेट सामने है लेकिन खानी नहीं, मतलब चॉकलेट का पूरा रिजिस्ट नहीं करा जा सकता ना। ये तो जी है। अच्छा सना अपने हवाले से कुछ बताएं, आप अपनी पर्सनालिटी में क्या है? वो तो आप चॉकलेट क्वीन के नाम से तो जानी जा रही हैं, आपका बिजनेस भी सबको पता है, लेकिन आप खुद क्या है? मतलब बेसिकली मेरा ये है कि मैं अपने अब्बू के साथ ऑफिस जाती हूँ, हमारा कन्फेक्शनरी का बिजनेस है, एंड मैंने अपना बैचलर्स किया हुआ है CBM से इन ह्यूमन रिसोर्स एंड मार्केटिंग, एंड मैंने अपना मीडिया मैनेजमेंट किया हुआ है इन मास्टर्स इन मीडिया मैनेजमेंट। तो उसके बाद से मुझे बहुत ज़्यादा मुझे कुछ डिफरेंट करना था, और मैं जो चाहती हूँ मैं अचीव कर लेती हूँ। मैं बहुत हार्ड वर्किंग हूँ, बहुत क्रिएटिव हूँ, और मुझे कुछ नया करने का शौक है, कुछ यूनिक। मैं हमेशा से अपनी एक आइडेंटिटी बनाना चाहती थी। जी ग्रेट। अच्छा ये बताएं कि इसके अलावा आपकी हॉबीज क्या है? इसके अलावा मुझे राइटिंग का बहुत शौक है, और मुझे जी जी राइटिंग लिखती हूँ जी, एसेज एंड जैसे बैठे बैठे जो भी कुछ न्यूज़पेपर के अंदर आर्टिकल्स पढ़ती हूँ तो उसको देख के इस तरह से करके। अच्छा और इसके अलावा? इसके अलावा मुझे सोशलाइजिंग का बहुत शौक है, ट्रैवलिंग का बहुत ज़्यादा शौक है। आई लव टू ट्रैवल, मुझे पूरी दुनिया घूमने का शौक है। अभी आप कहाँ? अभी मैं रिसेंटली थाईलैंड से होकर आई हूँ। जी अच्छा ये बताया कि कितनी मुश्किलात पेश आई स्टार्ट में आपको ये सब स्टार्ट करने में? बेसिकली देखें स्टार्ट करना कोई भी चीज़ मुश्किल होता है, बट अगर आप ये सोच लो कि आप कर लोगे तो हो जाता है। और मुश्किलात बेसिकली हमें ये आई कि कॉस्टिंग के अंदर, क्योंकि आपने देखा है कि महंगाई बहुत हो गई है, शुगर तो मेन इंग्रेडिएंट है जो चॉकलेट में डलता है, और जो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं वो बहुत महंगे हो गए। तो मिडिल क्लास को केटर करना, क्योंकि हमारी चॉकलेट ज़रा कस्टमाइज है, तो हर बंदे के लिए कुछ ना कुछ यू नो थोड़ा एक कॉस्ट के अंदर लाना, प्राइसिंग के साथ करना, तो वो थोड़ा सा, क्योंकि काफ़ी प्राइसेस बढ़ गई हैं हर चीज़ की, तो मिडिल क्लास के लिए कुछ थोड़ा सा इतना रीचेबल हो कि वो ख़रीद सके ना।
जी ये दादा जी मतलब वो अफोर्डेबल हो, वो इतना से नहीं कि नहीं यार इतना होता तो हम ये कर लेते थे, बहुत सारी इनकरेजमेंट थी और फ्रेंड्स ने भी बहुत सपोर्ट किया और सोसाइटी से बहुत मोटिवेशन मिला, क्योंकि जब आपको लोग देख रहे होते हैं आपके काम को देख के खुश हो रहे होते हैं यू नो, तो आपको बहुत अच्छा फील होता है कि देख आपको लोग सब बहुत ज़्यादा यू नो एक इंस्पिरेशन लेके, क्योंकि बहुत यूनिक चॉकलेट्स हैं तो पाकिस्तान में तो पहली दफ़ा लेकर आए और ये कभी था नहीं ऐसा कॉन्सेप्ट, आर्टिसनल चॉकलेट्स का कॉन्सेप्ट लेकर आए तो वो थोड़ा सा बोर हो जाता है ना बंदा एक बेसिक चॉकलेट से, तो ऐसा है जी। अच्छा ये लिपस्टिक जो है ये मैं शो करती हूँ जी जी, ये जो है सना की एक लिपस्टिक है, इसको हम लगा भी सकते हैं और खा भी सकते हैं, खैर ये तो मैं आपको बाद में बताऊंगी क्योंकि अभी मैं सना का इंटरव्यू कर लूँ वरना मेरी देखूंगा। ठीक है अच्छा सना ये बताएं कि घर वालों ने तो चले आपको सपोर्ट किया, कितना टाइम लगा बिजनेस को रनिंग में लेकर आया? देखिए ये जो मेरी बहन है मेन जो ब्रेन चाइल्ड है मानवी नदीम, उसकी बहुत ज़्यादा मेहनत है और उसने बहुत ज़्यादा रिसर्च करी, फिर ट्रायल एंड एरर होता है, आपको बहुत सारी चीज़ें करके देखनी होती हैं और एक्सपेरिमेंटिंग होती है और काफ़ी इन्वेस्टमेंट भी लगती है, बट कन्फेक्शनरी का क्योंकि हमारा बैकग्राउंड था तो उस नॉलेज ने हमें जो बेसिक होती है काफ़ी उससे सपोर्ट मिला और हेल्प मिल गया। तो उसके बाद अच्छा ये बताएं कि बहुत सारे बिजनेस आप कर सकती थी, बहुत सारी चीज़ें कर सकती थी, तो यही क्यों चॉकलेट्स का कैसे? ये हमारी फील्ड से रिलेटेड भी है, कॉम्प्लीमेंट भी करता है और दूसरा हमें बहुत ज़्यादा कैंडीज़ का बचपन से ही शौक था क्योंकि कैंडी फैक्ट्री थी तो चॉकलेट्स और ये सारी चीज़ें, एंड आई थिंक चॉकलेट्स यू नो एक जॉय लेके आती हैं, सेलिब्रेशन वाली फील देती हैं और गिफ्टिंग में भी बहुत अच्छी लगती हैं। अच्छा सना अपनी जर्नी के बारे में कुछ बताएं। जी बेसिकली हमारा जो द चॉकलेट क्वीन जर्नी का शुरू करने का जो मेन रीज़न था वो यही था कि हम अपने पैरों पे खुद खड़े हो जाएं, एंड आई थिंक हर औरत के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, बेशक यू नो आपके अब्बू भी हैं भाई भी हैं सब हैं सपोर्ट करने के लिए, बट आपको जो फील खुद एक कुछ काम अचीव करके आती है ना वो आई थिंक वो सबसे बेस्ट फीलिंग होती है। ये तो कोई डाउट नहीं। अच्छा ये बताइए जब अचीवमेंट हुई सबसे पहला आप मतलब क्या किया था उसके बाद? आपको खुश जाहिर है इंसान खुश होता है तो कुछ ना कुछ किसी ना किसी तरीके से सेलिब्रेट करता है जी, तो आपने किस तरीके से सेलिब्रेट किया था? बेसिकली मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा था और हमने बस सेलिब्रेट इस तरह किया कि आपस में यू नो खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं, तो जितने सारे हम सब मिलके सारे जी हर खुशी में कुछ मीठा हो जाए तो और ज़्यादा अच्छी हो जाती है। और देखें चैलेंजेस तो सबके पास हैं, फिजिकल डिसेबिलिटी के साथ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, बट आई थिंक सारे चैलेंजेस भी ओवरकम कर सकते हैं और आप सारे बैरियर्स भी ओवरकम कर सकते हैं, इतना कोई हर चीज़ के लिए बस आपको यू जस्ट हैव टू थिंक कि मैं कर सकती हूँ एक चीज़। तो मैं सब ख़वातीनों को यही कहना चाहूँगी कि जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ। अच्छा ये बताएं कि जब ऑर्डर आते हैं तभी मतलब बनाती हैं ये जो भी हमें ये चाहिए वो चाहिए टेडी चाहिए सांता क्लॉज चाहिए लाइक इस तरह से उसी जी? बेसिकली हमारा एक ऑनलाइन पेज भी है ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक, तो मैसेजेस के थ्रू वेबसाइट भी है हमारी। कोई आपको अप्रोच करना चाहिए जी वो आपको किस तरह से अप्रोच? व्हाट्सएप इंस्टाग्राम एंड ऑनलाइन वी हैव अ वेबसाइट ऑल्सो and we are available at the Sweetest Affair. There's a shop. वहाँ पे भी हम available हैं। Wow. जी। अच्छा आपका जो page है वो किस नाम से? The Chocolate Queen PK. The Chocolate Queen. किसी को approach करना हो, किसी को कुछ बनवाना हो, chocolates तो सबको पसंद होती हैं, वो Instagram पे जाए, सना को The Chocolate Queen के नाम से इनका page है, इनको वहाँ approach करें और इनसे contact करें और अपने मजेदार अपने पसंद के chocolates खाएं। अच्छा सना ये बताएं कि जाते जाते हमारे वॉइस ऑफ नेशन से आप किसी को कोई मैसेज देना चाहें उन खवातीन को स्पेशली जो घर से बैठ के काम कर रही हैं और आगे बढ़ना चाह रही हैं, अगर उनमें कोई टैलेंट है तो उसको उभारना चाह रही हैं, कोई ऐसा मैसेज आप देना चाहें? जी मैं ये कहना चाहूँगी कि
हर ख्वातीन को मैं यही कहना चाहूँगी कि जिस चीज़ का आपको शौक है वो करना चाहिए आपको, जिसमें आपका दिल माने। और गलतियों से इंसान सीखता है, जब तक आप गलतियाँ नहीं करोगे आप सीखोगे नहीं, बट दोबारा वो गलती ना करें। और जो करना चाहती हैं वो बिल्कुल अपनी यू नो एक इंस्पिरेशन लेके क्रिएट करें, और किसी भी चीज़ से घबराएं नहीं। यू नो हर चीज़ के लिए मेहनत लगती है, और बहुत ज़्यादा आपको अपने आप ऊपर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए। खुद एतमादी एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है जो आई थिंक सक्सेस को लीड करता है। जी नाजरीन, हाँ ये है मेरे पास, आप देख रहे होंगे क्या है, ये है चॉकलेट माइक। तो आज मैं इसी पे आपको बताऊंगी भी, जाते जाते अलाफिज भी करूंगी। जी नाजरीन, तो आज हमारे साथ मौजूद थी सना नदीम उर्फ द चॉकलेट क्वीन। आपको मैंने दिखाया कि यहाँ पर इनकी जो चॉकलेट्स अवेलेबल थी, सना के हवाले से भी मैंने आपको बताया, और जैसे कि सना ने कहा कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो बिल्कुल कल गुजरे हैं, सोचें मत। और वो जो लोग होते हैं ना, लोगों की बातों को देखकर बैठ जाते हैं, ये क्या कहेंगे वो क्या कहेंगे, तो उनको दफा मारे और जो है अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाए। अब ये जो है ये चॉकलेट मैं खाऊंगी, और इसके अलावा मैं एंजॉय करूंगी सना के साथ। उम्मीद है आपको हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। हमारे प्रोग्राम के हवाले से अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आप चॉकलेट्स खाना चाहते हैं और इस तरह से बनवाना चाहते हैं तो सना बता चुकी हैं, सना को जाके अप्रोच करें उनके फेसबुक पर, इंस्टा पर, और लाइक उनकी जो भी वेबसाइट्स वगैरह हैं। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, देखती रहिए वॉइस ऑफ नेशन। अल्लाह हाफिज़। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए, ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें।